चुकी ज्यादा नहीं बोलते हुए अभी वैसे ही 1.5 घंटा लेटे, 9 बजे का समय था, 9 बजे आ गए होंगे आप लोग। भारत माता की आज की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश राजेंद्र जी, वैसा पहले से आपने जल्दी टाइम दे दिया, 9 बजे दिए, 4 बजे दिया, फिर क्या कह रहे हैं। यहाँ उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय विजया दाई जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, यहाँ उपस्थित माननीय राज्यवर्धन सिंह जी, जसकोर जी, राजेंद्र गहलोत जी, आदरणीय अशोक प्रणामी जी, रामचरण बोहरा जी, आदरणीय पंचार्या जी, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब, सम्मानित प्रमुख श्रवण जी, राघव जी और सम्मानित मंच, और यहाँ उपस्थित पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे सभी देव के कार्यकर्ता, चलिए आप सब लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से डिस्कशन हो गया होगा, मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, चूंकि एक ऐसी टोली है, ये कैसे दल है जिसके माध्यम से हम सब लोगों को गर्व होता है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 बार हम मजबूती के साथ कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेतृत्व। देश की जनता का मिजाज है और देश की जनता का विश्वास है, और विश्वास तब खड़ा होता है जब जनता का कथनी और करनी में फर्क नहीं समझती, जनता के मन में विश्वास होता है कि जिस ध्येय के साथ, जिस विश्वास के साथ सरकार बनी है, उस सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। और ये जो टोली बैठी है वो वर्षों से, कई लोगों ने चुनाव लड़ा है मंच पे और यहाँ बैठे हुए, और कई लोगों ने चुनाव लड़ाया भी है, तो ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में इन तीनों लोकसभा सीटों पर, जयपुर शहर ग्रामीण और दूसरा लोकसभा सीट पर, फिर से प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिले, इस संकल्प के साथ आप और हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं। निश्चित रूप से मेरे पूर्व के वक्ताओं ने किस प्रकार से आगामी कार्यक्रमों से लेकर, चूंकि तीनों ही सीटों पर अभी प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का फूल इस ध्येय के साथ, हमारे लोकसभा के कार्यालय भी खुल गए, हमारी क्लस्टर बैठकें भी हो रही है, लोकसभा की प्रबंधन समिति और कोर टीम की बैठक भी हो रही है, और जैसे ही प्रत्याशी चयन होगा उसके साथ ही प्रवास के कार्यक्रम, नामांकन और मतदान से लेकर मतगणना तक की हमारी कार्य योजना बनेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल और आज में और पिछले 3 दिनों में ये 25 ही लोकसभा सीटों की बैठकें, क्लस्टर बैठकें हो चुकी है, और मुख्यमंत्री जी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप में भी वो कार्यकर्ता भाव नहीं गया है, आप भी इस पार्टी के काम में समय निकाल कर कहा कि मैं भी इन कार्यक्रम इन बैठकों में चलूंगा, चाहे छोटी बैठकें हैं, कई बार होता है कि कई बड़ी विशाल सभा है तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपने कहा कि जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है उस टोली के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और आगामी कार्य योजना बनाएंगे। आज जब हम लोग कोटा से निकल रहे थे तो मीडिया के मित्रों ने पूछा आपकी क्या तैयारी है, मैंने कहा तैयारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि इस नाते एक ध्येय के साथ चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं,
लेकिन उससे ज्यादा तेज गति से देश और प्रदेश की जनता चल पड़ी है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। और वो तब होता है जब 1947 से लेकर अब तक का इतिहास जब देखते हैं कि आजादी से लेकर अब तक जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी तक देश में शासन किया उनमें और इन 10 वर्षों में लोग देख फर्क दिखाई देता है। ये मोदी फिर मोदी सरकार एक बार क्यों? इसलिए कि गरीब को हर अपने रहने का मकान मिला, गरीब को उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, हर व्यक्ति को बैंक में खाता मिला, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला, ये नेशनल हाईवे बने, ये एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बने, या वंदे भारत ट्रेनें चली, धारा 370 हटी कश्मीर से और अयोध्या में भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर बना। ये बरसों पुराना सपना था, वो भी इन 10 वर्षों में पूरा हुआ है। और अभी मोदी जी ने कहा है ये तो काम अभी ट्रेलर है, असली काम अभी बाकी है। इसलिए ये आप और हम सब लोग ये राष्ट्र निर्माण के यज्ञ के ऋषि हैं और आप सब लोग इसके हवन में बैठने वाले इस देश की जनता जो ऋषि के रूप में इस नवनिर्माण में अपना आहुति देने वाली है। सशक्त देश होगा हम सशक्त होंगे, सशक्त समृद्ध राष्ट्र होगा हम समृद्ध होंगे। इस दृष्टि से ध्येय को लेकर देश की जनता ने फिर से जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक